आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, आपको बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल गुरुग्राम से बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 2 दिन चलेगा। आम आदमी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर, शिविर में शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज भी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। आगामी जिला परिषद चुनाव पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि 2 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है और ऐसे में कई आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से आगामी जिला परिषद चुनाव पर प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जानी है, 2 दिन का यह प्रशिक्षण शिविर रहना है, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन किस तरीके से मजबूत किया जाए, साथ ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जो है इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। 10 बजे जो है इस प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली मॉडल को हरियाणा में पेश करने को लेकर कार्यकर्ताओं को जो है बताया जाएगा। तो साफ तौर पे बड़े नेता जो है इसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने फरीदाबाद में प्रशिक्षण किया था तो वहीं तो अभी हाल ही में पंचकुला में कांग्रेस ने चिंतन शिविर कर चुके, तो अब वहीं आम आदमी पार्टी जो है अपना प्रशिक्षण शिविर करने जा रही है। गांव-गांव तक, कार्यकर्ताओं तक किस तरीके से पहुंचा जा सके, भ्रष्टाचार जो हरियाणा में भ्रष्टाचार पर किस तरीके से रोक लगाई सके, तो इस सारी चीजों पर जो है इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी कार्यकर्ताओं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है, ऐसे में परिषद चुनाव के अलावा क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं? क्योंकि अगर हरियाणा की बात करते हैं तो लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। साफ तौर पे जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद तमाम जो और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं मैं गुरुग्राम से अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम से भाजपा के विधायक रहे उमेश अग्रवाल वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो नगर परिषद चुनाव के साथ साथ गुरुग्राम नगर निगम चुनाव, मानेसर नगर निगम चुनाव पर भी जो है चर्चा होगी। तो ऐसे में साफ तौर पर बड़े तमाम जो नेता हैं इसमें रहेंगे। वहीं साथ ही हरियाणा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, गुरुग्राम नगर निगम की बात करें जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तो उसी को लेकर जो है इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। चलिए ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपको बता रहे हैं कि आगामी जिला परिषद चुनाव पर चर्चा की जाएगी और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी से है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से है।